नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी को अपने फेस से अनलॉक कर सकते हैं अपने वेबकैम यानी कि फेस कैम को यूज करके। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को बोलकर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये दोनों तरीके बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना और कहीं भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीख। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को अपने फेस से अनलॉक कर सकते हैं या फिर उसे आप बोलकर अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है www.downloadag2.com। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पे आप देखिए विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉइड का लोगो आपको दिखेगा। आपको यहाँ विंडोज के लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक सॉफ्टवेयर दिखेगा जिसका नाम है की लेमन। बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पे देखिए आपको फ्री डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको यहाँ फ्री डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ अब आपको डाउनलोड लिंक 1 पे क्लिक करना है और आपको इस की लेमन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का साइज है दोस्तों सिर्फ 87.6 MB, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद से आप अपने कंप्यूटर में जैसे दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही अब आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देना है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और दोस्तों विद इन मिनट ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपको यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से इस सॉफ्टवेयर का जो फेस रिकॉग्निशन जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ सेटिंग, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद से आपको इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो देखिए इसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा। आपको यहां से फेस का सेटिंग करने के लिए यहां पे देखिए फेस का ऑप्शन दिया है, आपको यहां सेटअप नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहां क्रिएट योर फेस प्रोफाइल इस पे क्लिक करना है और वही पेज ओपन हो जाएगा यहां पे जो ऑटो लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइटिंग यहाँ पे आपको लगता है कम है, फिर आपको अपने मोबाइल के टॉर्च को ओपन करके यहाँ पे ऑन करके ऐसे कर लेना है ताकि आपका फेस यहाँ पे क्लियर दिखे, तभी ये सॉफ्टवेयर क्लियर आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। जब लाइटिंग अच्छी होगी तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन टिक करके दिखेगा, मतलब कि लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए नीचे आपको बटन दिखेगा क्रिएट अ न्यू फेस मॉडल, आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये 100% होने के बाद से आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक है और यहाँ पे ये जो ग्रीन है पूरा फुल है यहाँ पे, और यहाँ लिखा है ग्रीन एक्सीलेंट रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं अपने आप पे यहाँ पे अगर हाथ रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे अगर मैं आधा कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बैड हो गया, जैसे ही मैं हटा दिया अब यहाँ पे आप देखिए एक्सीलेंट दिखा रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद से अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और देखिए कुछ इस तरह से फेस को ये रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके जो कंप्यूटर का नाम होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर का पासवर्ड डालना है। जब आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को ऑन करते हैं और जो आप वहां पे पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद से सिंपल अब आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है, आपका सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद से अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर को यहाँ पे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये फेस रिकॉग्निशन कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लॉगिन पेज पे। यहाँ पे देखिए मैंने अपने फेस पे हाथ इसलिए रखा है ताकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज न कर ले। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा आपके लैपटॉप का और यहाँ से आपका फेस ये रिकॉग्नाइज कर लेगा।
अगर आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो भी डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं अपने देखिए मैं आधे फेस को यहाँ पे ढक लेता हूँ तो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए जैसे मैं अपने हाथ को अपने फेस से हटाऊंगा ये रिकॉग्नाइज करेगा और मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों फेस रिकॉग्निशन सेटिंग, यानी कि आप अपने फेस से अपने लैपटॉप या फिर पीसी को कैसे अनलॉक करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को बोलकर कैसे अनलॉक करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है जिसका नाम है कीलेमन। इस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों आपने पहले सेटिंग किया था फेस रिकॉग्निशन सेटिंग ताकि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को अपने फेस से अनलॉक कर सकें। अब आपको इसी सॉफ्टवेयर पे सेटिंग करना है वॉइस रिकॉग्निशन सेटिंग ताकि आप बोलकर अपने लैपटॉप या फिर पीसी को अनलॉक कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आपको वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ सेटअप नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ क्रिएट योर स्पीकर प्रोफाइल इस पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से दोस्तों ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक पूरा लेसन दिया हुआ है, ये जो कुछ भी पूरा सेंटेंस ये पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपको लाउडली पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके वॉयस को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको सेव करेगा, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद से आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद से जब आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो जैसे फेस के केस में वहां पे आ रहा था आपका फेस वेबकैम ओपन हो जाया था, इस केस में वॉइस के केस में वहां पे आपको एक सेंटेंस देगा, इतना बड़ा सेंटेंस आपको नहीं देगा, कोई एक वर्ड देगा बोलने के लिए या फिर कोई एक सेंटेंस देगा, उसको आप बोलेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके आवाज को पहचानेगा और तुरंत आपका लैपटॉप या फिर पीसी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।